अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है गोलगप्पे एंड इन पानी पूरी, जो कि इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। गोलगप्पों की फिलिंग के लिए ये गोलगप्पे ले लिए हैं एक बाउल भर के। आधा किलो आलू लिए थे, उनको बॉयल करके इस तरह स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। और एक पाव चने थे, इसके ना नीचे भी आए हुए, इनको बॉयल कर लिया है। और ये जो दही भल्लों में बूंदी यूज़ होती है ना, इनको एक कप लेके तो पानी में डिप करके रख दिया था, वो इसके ऊपर डाल ली है। एक दरमियाने साइज का प्याज है चॉप किया हुआ, हाफ टमाटर चॉप कर लिया था बीज निकाल के, और दो हरी मिर्चें हैं इस तरह चॉप की हुई, दो चुटकी है जीरा पाउडर, दो चुटकी धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून क्रश की हुई लाल मिर्च और दो चुटकी पाउडर वाली मिर्च। ये हमारे पास इमली की मीठी चटनी है, सादा दही है, इसको मेल्ट कर लिया था अच्छे से। और ये धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की यानी कि चटनी बनाई हुई है ग्रीन वाली। ये चाट मसाला है, चलिए इनकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बूंदी काले चने और आलू, इसको एक बाउल में शामिल करते हैं। साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें चॉप की हुई, प्याज चॉप किया हुआ, और ये पाउडर मसाले, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। इसमें आप अपनी च्वाइस के मुताबिक व्हाइट चने भी शामिल कर सकते हैं। व्हाइट चने और वो जो लोबिया होता है ना, वो बारीक वाला या रेड वाला, जो मर्जी इसमें शामिल कर लें। वेजिटेबल्स की अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, अब इनको फिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हर गोलगप्पे में ना सुराख कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही खस्ता बने हैं गोलगप्पे, ये भी होममेड ही है। ये देखिए गाइस, सब गोलगप्पों की फीलिंग हो गई है। अब इसके ऊपर ये सादा दही थोड़ा सा डालते हैं ऐसे,
सबके ऊपर ना डालते जाएंगे इसी तरह। ये ग्रीन चटनी से ना इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आती है पुदीने की। के बाद ये मीठी चटनी जो इमली की बनाई हुई थी ये डालते हैं। उसके बाद ये लास्ट पे चाट मसाला सबके ऊपर इस तरह ना छिड़क देंगे। चलिए गाइस आज के गोलगप्पे रेडी हैं। अब इसके साथ खट्टा पानी भी जो हमने बनाया था वो इसके साथ रख के डिश आउट करते हैं। ये खट्टा पानी हमने तैयार किया था वो रख लिया। इसमें ना पुदीना, जीरा और वाइट टार्टरी, वाइट नमक, इन सबको यानी कि मिक्स करके ना तो ठंडा पानी डाल लिया। हो सके तो अगर आपकी च्वाइस हो तो चाट मसाला भी दो चुटकी डाल लें, फिर ये और भी ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। चलिए गाइज आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की रेसिपी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।